स्वागत है आपका मेरे चैनल द गुड्स इलेक्ट्रिकल में। मैं हूं आपका डेनियल स्टोनर, आपका फ्रेंड। तो बहुत दिनों बाद मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूं। इस कंटेंट को लाने में थोड़ा देर हो गया, तो बहुत दिनों बाद मैं एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूं पोर्टेबल गीज़र के ऊपर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, तो ये पोर्टेबल गीज़र में फ़ायदा क्या क्या है और कितना प्राइस रेंज के अंदर ये आ सकता है और सेफ्टी और पानी गर्म करने में कितना देर लगता है, सब चीज़ के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको। और इसे यूज़ करना है कैसे, फिटिंग कैसे करना है, सारा चीज़ बताएंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। तो सेफ्टी इसमें यही है कि जैसे हम लोग इमर्शन रॉड यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा पानी गर्म करने में 10-15 मिनट लग जाता है और पानी गर्म हो जाता है। और उसमें एक डेंजर भी होता है, जैसे कि हम लोग प्लग इन किए हुए हैं और बाई चांस हम लोग पानी से इमर्शन रॉड को निकालते हैं और भूल गए प्लग इन निकालने के लिए, तो उसमें हम लोग को करंट लग सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस गीज़र में वैसा नहीं है, इसमें करंट वरेंट का कोई ख़तरा नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस इसका होने वाला है वही 750 से लेके 1000, और जगह के अनुसार भी मैटर कर सकता है। तो 750 से लेके 1500 या जैसा भी ब्रांड है उसके अनुसार इसका प्राइस होने वाला है। एक दो ब्रांड का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको अगर ख़रीदना है तो वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो पहले चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। तो इसको मैंने खोल के रख लिया है, अनबॉक्सिंग किया है मैंने। इसमें मुझे मिला है एक मेन इसका बॉडी, जो कि यहाँ पे इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है, लाइन इंडिकेट करेगा। यहाँ से हमारा मेन पानी जो गर्म पानी है वो गिरेगा। यहाँ से हमारा इसमें हमें पाइप और ये मिल जाता है नल में लगाने के लिए। यहाँ से हमारा पानी जाएगा ठंडा और यहाँ से गर्म पानी निकलेगा। इसे मेन लाइन में हम प्लग इन कर देंगे गीज़र के जैसा। तो इसको प्लग इन करने के बाद इसको पहले नल में लगा देना है, नल को धीरे आंच पे खोल देना है, उसके बाद इसे प्लग इन कर देना है। प्लग इन करके उसका लाइन दे देना है और एक दो तीन जैसे ही गिनेंगे 3 सेकंड, पानी आना तो तुरंत शुरू हो जाता है। 3 सेकंड के अंदर गर्म पानी आना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ठंडा पानी मिलेगा लेकिन उसके बाद फिर गर्म आना स्टार्ट हो जाता है, मोटर काम करने लगता है उसका। यहाँ पे एक प्रिकॉशन भी दिया हुआ है कि इसको बिना पानी के ना चलाए। बिना पानी के चलाने से क्या होगा कि इसके अंदर का जो मोटर है या जो भी इमर्शन है वो जलने का खतरा बढ़ जाएगा, तो बिना पानी के इसको नहीं चलाइएगा। तो इस वीडियो के आगे में मैंने एक इसका प्रैक्टिकल वीडियो ऐड कर दिया है, जिसको देख के आप इसका यूज़ और अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको कैसे काम किया है। मैं इसको खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये बहुत ही सेफ्टी है, इसमें करंट वरेंट का कोई ख़तरा नहीं है। मैंने खुद के वॉशरूम का एक सैम्पल वीडियो इसमें ऐड किया है, जिसमें मैंने इसे यूज़ करके पानी कैसे गर्म निकलता है वो दिखाया है आपको। तो इतना मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहता हूँ, सैम्पल उम्पल सारा वीडियो ऐड करता हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बस कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को दबा दें कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे मुझे खुशी मिलेगा। और लाइक भी कर दे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया करें। अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ये हम लोग लाइन में खोस चुके हैं, जैसा कि आपने को बताया था, पावर प्लग में हम लोग इन कर दिए हैं, पावर प्लग का लाइन दे दिए हैं। और ये मैंने अभी ऐसे ही टेम्पररी इसे टांगा हुआ है, आपको अगर फिक्स करना तो फिक्स करके आपको बताया था कि इसे टांग सकते हैं। इसमें इंडिकेटर में लाइन आ चुका है और ये नीचे वाला इसका पार्ट मैंने इस नल में कर दिया है। अब ये नल का लाइन हम लोग खोलेंगे तो गर्म पानी मिल जाएगा। देख सकते हैं आपको,